तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ ये डे टाइम लुक बुक फॉर दुर्गा पूजा। मैंने एक दुर्गा पूजा की लुक बुक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत सारा लुक आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये है मेरी पहली लुक। तो ये पहली लुक आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में छोटी सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर दो। उससे आने वाली वीडियो के लिए आप लोग अपडेट हो जाओगे। आप लोग मेरे को बहुत सारा मतलब ढेर सारा चलो आज की जो लुक है उसको क्रिएट करते हैं। एंड मैं आज डे टाइम की मेकअप शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पहना एक जीन्स और उसके साथ एक मिस काइंड ऑफ व्हाइट टॉप। मेरे को लगता है कि जब हम लोग डे आउट में हैंग आउट करने जाएंगे ना, उसी टाइम ऐसी कपड़े और ऐसी ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें हम लोग कम्फर्टेबल है। तो मेरे को लगता है उसी टाइम ना बहुत ही ज़्यादा आई प्रेफर कलर पहनना चाहिए, जिसमें क्या है ना गर्मी भी नहीं लगे एंड उसके साथ कम्फर्ट भी फील करे। और ये मेस काइंड ऑफ टॉप में ना क्या होगा ना, मेरे को गर्मी नहीं लगेगा और मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील करूँगी। चलो इसी टाइप ऑफ ड्रेस पहनना है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखना है एंड उसके साथ साथ मेकअप भी करना है। तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी हेयर को ना मैंने टाई अप कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा मेकअप में मेरे को डिस्टर्ब हो सकता है। देन मेकअप स्टार्ट करती हूँ। फेस्टिव सीजन में हम लोग जितना बारी मेकअप करें ना, कभी भी ना स्किन केयर को स्किप करना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने पहले मेरी जो स्किन केयर रूटीन है उसको फॉलो अप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले जो अप्लाई किया है वो है टोनर, ये प्लम की टोनर है। देन हम लोग एक मैटिफाइन मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं। मैटिफाइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम लोग जब बाहर जाएंगे ना ज़्यादा स्वेट ना हो इसलिए, बट उसके साथ साथ स्किन भी मॉइस्चराइज फील करे अच्छी तरीके से। यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे एंड हम लोग सारे दिन ना इधर उधर घूमेंगे। सनरेज जो है ना वो हम लोग की स्किन को ना डैमेज कर सकते हैं, इसलिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग यूज़ किया है लोटस की SPF 50 सनस्क्रीन। ये 50 होने से क्या होता है ना, बहुत देर तक हम लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करेगा एंड उसके साथ साथ ये ना एकदम ऑयल फ्री रखेगा, स्वेट प्रूफ रखेगा। तो चलो अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप की पहली स्टेप है प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे की प्राइमर यूज़ किया है। ये मेरी जो स्किन है उसको स्मूथ बनाएगा एंड उसके साथ साथ जो मेकअप है ना उसको लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। देन यहाँ पे मैंने फाउंडेशन यूज़ किया, ये वेट एंड वेल की फोटो फोकस फाउंडेशन है। ऑब्वियसली फाउंडेशन मीडियम कवरेज देता है बट इसमें ना फोटो ज़बरदस्त आता है। आप लोगों को फोटो खींचना है तो इस फाउंडेशन का अप्लाई करेंगे, क्योंकि पूजा के टाइम हम लोग बहुत सारा सेल्फी खींचेंगे, फोटोज़ खींचेंगे जिसमें ना फोटो एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए ये जो फाउंडेशन है ये एकदम परफेक्ट है। और इसके साथ साथ आपको नेक एंड उसके साथ साथ ईयर को भी कवर करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, कोई मतलब डिसकलरेशन आपकी फेस एंड बॉडी मतलब नेक पार्ट में ना लगे। एंड देन मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है। देन फाउंडेशन हो जाने के बाद मैंने थोड़ा सा फेस को सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेबलिन की फिट मी कम्पैक्ट से थोड़ा सा मेरे फेस को पूरे सेट कर लिया, जैसे कि मेरी जो फेस है ना वो एकदम सेट लगे। मेरा जो बेस था वो हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग चलेंगे आई मेकअप पे। यहाँ पे मैंने आईब्रो जेल लिया है, उससे मेरी आईब्रो को फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने म्यूजिक क्लब की आईब्रो प्रोमेट से अच्छी तरीके से मेरे आईब्रो को फिल कर रहे हैं एंड इसमें ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नॉर्मल नेचुरल जैसा ही आईब्रो को फिल करना है। देन मैंने आईब्रो स्प्लिश अच्छी तरीके से ब्रश करके जो एक्सेस प्रोडक्ट था उसको मतलब डस्ट आउट कर दिया है। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वेल की ये न्यूट पैलेट को यूज़ किया है, क्योंकि डे आउट है, बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं करना है। सिर्फ मैंने जो ट्रांजेक्शन शेड लेकर मेरी क्रीज लाइन तक उसको ब्लेंड किया है। देन मैंने यहाँ पे क्रीमी जो सेट था उसको लेकर इनर कॉर्नर पे से मिडिल कॉर्नर तक अप्लाई किया फिंगर की मदद से, क्योंकि ना इससे क्या हो ना मेरी जो इनर कॉर्नर है वो हाईलाइटेड दिखेगा। देन मेरी जो आई मेकअप है कम्प्लीट है। मेरी दूसरी आई पे भी मैंने सेम कर लेती हूँ। देन मेरे फेस को मैंने सेम आई शेडो पैलेट से ही कंट्रोल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हो। मेरे को ना फ्लैट फेस अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ। देन मैंने यहाँ से जो कम्पैक्ट मैंने पाउडर था उसको ही लेकर मेरी जो कंट्रोल था उसको ना सॉफ्ट दिखा रही हूँ, मतलब क्लीन कर रही हूँ। देन हम लोग अप्लाई कर लेंगे आई लाइनर, और उसके लिए मैंने लैक्मे की इंस्टा लाइनर यूज़ किया है। उससे मैंने सिंपल एक विंग आई लाइनर क्रिएट कर लिया है। देन हम लोग अप्लाई कर लेंगे मस्कारा, एंड मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन की जो मस्कारा है ना उसको यूज़ किया है। मेरे को ना डे आउट के लिए मैंने कोई फॉल्सेस अप्लाई करना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे मस्कारा चूज़ किया है जिससे मेरी जो आई लुक है, मेरी जो आई लैसेज है वो एकदम वॉल्यूमाइज लगे एंड इसके लिए ये जो मस्कारा है एकदम परफेक्ट है। देन यहाँ पे मैंने मिस क्लियर की जो लिप एंड चीक कलर है ना उसको
उसको यूज़ कर रही हूँ उसको सिर्फ मेरी चिक्स एरिया पे अप्लाई करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि मेरे को ना फेस में थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करना बहुत पसंद है। स्टिप सीजन में ना ब्लश के साथ साथ हाइलाइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लो करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वेल की जो हाइलाइटर है उसको यूज़ किया है। इसमें मेरा शेड है प्रीशियस पेटल, उससे मेरी जो चीक्स नोज जो हाइस्ट पॉइंट है मेरी फेस पे उसी एरिया को मैंने अच्छी तरीके से हाइलाइट कर लिया है। देन सेम जो लिप कलर था मिस क्लियर का, उससे मैंने थोड़ा सा मेरी लिप को कलर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एकदम सॉफ्ट रखे है मेरी लिप। देन मेरी पूरे जो मेकअप है वो कंप्लीट है, फेस को शेड कर लेंगे ब्लू हेवन की मेकअप फिक्सेस से। देन हम लोग पहन लेंगे ज्वेलरी। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट ईयर रिंग को वेयर किया है एंड आई एम रेडी टू गो। मैं डे आउट के लिए एकदम रेडी हूँ। ये लुक भी कंप्लीट है, तो आप लोग बताना कि मेरी जो आज की लुक है ना वो कैसी लगी आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों की मेरी जो लुक है ना वो बहुत पसंद आया है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट को यूज़ किया है, जैसे कि दुर्गा पूजा में ना मेकअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। एंड मेरी जो लुक है वो कंप्लीट है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कोई ग्रैंड लुक के साथ। टाटा।